भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए एशिया कप 2018 के फाइनल में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया, मगर इस जीत के लिए आखिर में टीम इंडिया को खूब पापड़ बेलने पड़े। पहले जीत रही टीम इंडिया अचानक हारने लगी थी और फिर आखिर में बाजी भारत के ही पक्ष में पलट गई। ये सब कुछ हुआ आखिर के 3 ओवर्स में। आपको बता दें किस तरह से आखिरी 18 बॉलों में टीम इंडिया ने दबाव की स्थिति से उभरते हुए विरोधी टीम को धूल चटा दी। बेहद जबरदस्त थे आखिरी 18 बॉल। आखिरी 3 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी और जडेजा के साथ भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर मौजूद थे। जीत करीब करीब पक्की थी, लेकिन बांग्लादेशी कप्तान मशरफी मुर्तजा ने ओवर रुबेल हुसैन को सौंप दिया और उन्होंने 18वें ओवर में वो कर दिया जो भारतीय फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। रुबेल ने जडेजा को आउट कर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी। इसके बाद दोबारा मैदान पर आए रिटायर हट होकर पवेलियन लौटे केदार जाधव। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 4 ही रन बना पाए और भारत पर दबाव बढ़ चुका था। अब भारत को 2 ओवर में 9 रन की जरूरत थी, लेकिन 19वें ओवर में टीम इंडिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी क्योंकि एक और सेट बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार भी मुस्तफिजुर रहमान की पहली ही बॉल पर आउट हो गए। अब भारत को 11 बॉल में 9 रन की जरूरत थी, जबकि एक चोटिल बल्लेबाज और एक नया बल्लेबाज जो कि गेंदबाज है कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। मुस्तफिजुर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इस ओवर में सिर्फ 3 रन देकर भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया था, भारतीय फैंस की सांसें थम गई थी। अब जीत के लिए 6 बॉल पर 6 रन बनाने थे। कप्तान मशरफ मुर्तजा ने बॉल मोहम्मदुल्ला को सौंपी। कुलदीप ने पहली बॉल पर सिंगल लिया तो दूसरी बॉल पर केदार ने सिंगल ले लिया। तीसरी बॉल पर कुलदीप ने बड़ा शॉट खेला जिस पर 2 रन आए। अब टीम इंडिया जीत के करीब थी, लेकिन चौथी बॉल पर कोई रन नहीं बना। दबाव फिर से टीम इंडिया पर आ गया था। 5वीं बॉल पर बड़ी मुश्किल से केदार और कुलदीप ने किसी तरह स्ट्राइक बदली, लेकिन आखिरी बॉल पर जब 1 रन की जरूरत थी तो केदार जाधव ने ग्लांस किया जो बॉल उनके पैड पर लगकर फाइनल की तरफ गई और 1 रन ले लिया। एक बार फिर से भारत एशिया कप का चैंपियन बन गया। 47 ओवर तक टीम इंडिया करीब करीब जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद 48वें, 49वें और 50वें ओवर में जबरदस्त ड्रामा हो गया। जो मजा पूरे मैच में नहीं आया वो आखिरी 18 बॉल में आ गया और रोमांचक मैच में टीम इंडिया को जबरदस्त जीत मिल गई। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।